अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद दिए गए लिंक के जरिए आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। I am breaking up with her. मैं उससे रिश्ता तोड़ रहा हूँ। I am breaking up with her. I am breaking up with her. But don't tell anybody. लेकिन किसी को मत बताना। But don't tell anybody. But do not tell anybody. लेकिन किसी को बताना मत। Mom, no, you are here. अम्मी जानती हैं तुम यहाँ हो। Mom, no, you are here. Mom, no, you are here. Don't even try to tell her. उन्हें बताने की कोशिश भी मत करना. Do not even try to tell her. Don't even try to tell her. उन्हें बताने की कोशिश भी मत करना. मतलब वो पूछती है, अम्मी जानती हैं तुम यहाँ हो, तो वो उसे मना कर रहा है या कर रही है, उन्हें बताने की कोशिश भी मत करना. Don't even try to tell her. And what if I tell her? और क्या होगा अगर मैं उन्हें बता दूँ? And what if I tell her? And what if I tell her? और क्या होगा अगर मैं उन्हें बता दूँ? इसकी इंग्लिश क्या होगी? And what if I tell her? If you have the guts, then tell her. अगर तुम में हिम्मत है तो बता दो. If you have the guts, then tell her. If you have the guts, then tell her. अगर तुम में है हिम्मत तो बताओ. You can run, but you cannot hide. तुम भाग तो सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते. You can run, but you can't hide. You can run, but you can't hide. तुम भाग तो सकते हो लेकिन छुप नहीं सकते. This is the beginning of the end. ये इख्तिताम की शुरुआत है. This is the beginning of the end. This is the beginning of the end. Why are you even here? तुम यहाँ हो भी क्यों? Why are you even here? Why are you even here? तुम यहाँ हो भी क्यों? मतलब उसका मतलब कहने का है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था. तुम यहाँ हो भी क्यों? Why are you even here? There is nothing to worry about. परेशान होने की कोई बात नहीं. There is nothing to worry about. There is nothing to worry about. परेशान होने की कोई बात नहीं है. There is nothing to worry about. I will put it in my pocket. मैं इसे अपनी जेब में रख लूंगा. I will put it in my pocket. I will put it in my pocket. मैं इसे अपनी जेब में डाल लूंगा. I will put it in my pocket. I have to get off of here. मुझे यहां से उतरना होगा. I have to get off of here. I have to get off of here. मुझे यहाँ से उतरना होगा. दोस्तों, get off का वर्ड हम यूज करते हैं मतलब किसी गाड़ी से या बस से उतरना. मुझे यहाँ से उतरना होगा. I have to get off of here. Get off ये एक phrasal verb है. मुझे यहाँ से उतरना होगा. I have to get off of here. She was just a little upset before. इससे पहले वो थोड़ी परेशान थी. She was just a little upset before. She was just a little upset before. इससे पहले वो थोड़ी परेशान थी. इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? She was just a little upset before. I need to talk to you about something. मुझे तुमसे किसी चीज के बारे में बात करने की जरूरत है. I need to talk to you about something. I need to talk to you about something. मुझे तुमसे किसी चीज के बारे में बात करने की जरूरत है. We don't even like each other. हम तो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते. We do not even like each other. We don't even like each other. हम तो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते. She should not have said that. उसे वैसा नहीं कहना चाहिए था. She shouldn't have said that.
She should not have said that. उसे वैसा नहीं कहना चाहिए था. I wish I had not said that. काश मैंने वैसा ना कहा होता. I wish I had not said that. I wish I had not said that. काश मैंने वैसा ना कहा होता. You broke my heart. तुमने मेरा दिल तोड़ा. You broke my heart. You broke my heart. तुमने मेरा दिल तोड़ा. But I didn't do enough to stop it. लेकिन मैंने उसे रोकने के लिए ज्यादा नहीं किया था. But I did not do enough to stop it. But I didn't do enough to stop it. लेकिन मैंने उसे रोकने के लिए ज्यादा नहीं किया था. आप इसे इस तरह भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने उसे रोकने के लिए ज्यादा कोशिश नहीं की थी. But I didn't do enough to stop it. I shouldn't have done everything I could to stop it. मुझे उसे रोकने के लिए सब कुछ करना चाहिए था जो मैं कर सकती थी. I should not have done everything I could to stop it. I should not have done everything I could to stop it. मुझे उसे रोकने के लिए सब कुछ करना चाहिए था जो कि मैंने नहीं किया जो मैं कर सकती थी. I shouldn't have done everything I could to stop it. मुझे उसे रोकने के लिए सब कुछ करना चाहिए था जो मैं नहीं कर सकती थी या जो मैंने नहीं किया. You are all I have left. मेरे पास बस तुम ही बचे हो. You are all I have left. You are all I have left. मेरे पास बस तुम ही बचे हो. I will not let you go. मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा. I will not let you go. I will not let you go. मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा. Because I might lose you too. क्योंकि मैं तुम्हें भी खो सकता हूँ. Because I might lose you too. Because I might lose you too. क्योंकि मैं तुम्हें भी खो सकता हूँ. Don't worry, nothing will happen to me. परेशान मत हो, मुझे कुछ नहीं होगा. Do not worry, nothing will happen to me. Don't worry, nothing will happen to me. परेशान ना हो, मुझे कुछ नहीं होगा. How can you say that? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? How can you say that? How can you say that? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? When was the last time you ate? तुमने आखिरी बार खाना कब खाया था? When was the last time you ate? When was the last time you ate? तुमने आखिरी बार खाना कब खाया था? जब भी आपको किसी से पूछना हो, तुमने लास्ट बार खाना कब खाया था? When was the last time you ate? I should have left the city. मुझे शहर छोड़ देना चाहिए था. I should have left the city. I should have left the city. मुझे शहर छोड़ देना चाहिए था. I should have left the town. I should have left the town. आप ऐसे भी कह सकते हैं, मुझे शहर छोड़ देना चाहिए था. It's better not knowing. ना जानना ही अच्छा है. It's better not knowing. It is better not knowing. ना जानना ही अच्छा है. काफी यूजफुल सेंटेंस है. ना जानना ही अच्छा है, मतलब मुझे ना ही पता लगे तो ही बेहतर है. It's better not knowing. It's better not knowing. ना जानना ही अच्छा है. It's never better staying ignorant. अनजान रहना कभी अच्छा नहीं होता. It is never better staying ignorant. It's never better staying ignorant. अनजान रहना कभी अच्छा नहीं होता. इसकी इंग्लिश क्या होगी? It's never better staying ignorant. I'm not the total idiot you think I am. मैं पूरा पागल नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो मैं हूँ. काफी यूजफुल सेंटेंस है. I am not the total idiot you think I am. I am not the total idiot you think I am. मैं पूरा पागल नहीं हूँ या मैं उतना पागल नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो मैं हूँ. इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I am not the total idiot you think I am. मैं पूरा पागल नहीं हूँ जितना तुम सोचते हो मैं हूँ. I will see you tomorrow. मैं तुमसे कल मिलूंगा. I will see you tomorrow. I will see you tomorrow. मैं तुमसे कल मिलूंगा. Do you remember who they were? तुम्हें याद है वो कौन थे? Do you remember who they were?
डू यू रिमेम्बर हु दे वर, तुम्हें याद है वो कौन थे? आप ऐसे भी कह सकते हैं, डू यू रिमेम्बर हु और दे, डू यू रिमेम्बर हु और दे, तुम्हें याद है वो कौन थे? डिड आई डू समथिंग, क्या मैंने कुछ किया था? डिड आई डू समथिंग, डिड आई डू समथिंग, क्या मैंने कुछ किया था? बट यू डिडेंट डू एनी थिंग, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया था। बट यू डिड नॉट डू एनी थिंग, बट यू डिडेंट डू एनी थिंग। आई मीन आई विश आई न्यू वाई, मेरा मतलब है काश मैं जान पाता क्यों। आई विश सॉरी आई मीन आई विश आई न्यू वाई, आई मीन आई विश आई न्यू वाई, मेरा मतलब है काश मैं जान पाता क्यों। देर इज नथिंग आई कैन डू, कुछ नहीं रहा जो मैं कर सकती हूँ। देर इज नथिंग आई कैन डू, देर इज नथिंग आई कैन डू, कुछ नहीं रहा जो मैं कर सकती हूँ। इसकी इंग्लिश क्या होगी? देर इज नथिंग आई कैन डू। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद करता हूँ जो सेंटेंसेस हमने इस वीडियो के अंदर यूज किए हैं, हम इन्हें अपनी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, जितनी ज्यादा आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आप अपनी स्पोकन इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल पाएंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं इस तरह के सेंटेंसेस सीखकर अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।